कि मोपिन इज आइडेंटिटी ऑफ गालो। गालो मीन्स मोपिन एंड मोपिन मीन्स गालो। से मैंने बहुत काम किया है और मुझको एक बार और मौका दीजिए आलो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आलो को और सुंदरता कराने में। मतलब 5 साल से मैं 30 आलोवेस के लोगों से जुड़ा रहा, ये मैं अचानक में आके चांस में डांस करने वाला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली 30 आलोवेस में डेवलपमेंट 30 आलोवेस को के बढ़ोतरी के लिए मैं आ रहा हूँ और किसी कारण वो उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं 30 आलोवेस्ट की जनता को नहीं छोड़ा। बीजेपी डजंट बिलीव ऑन मनी कल्चर, बीजेपी डजंट बिलीव ऑन रिलीजन पॉलिटिक्स, बीजेपी डजंट बिलीव ऑन क्लैन पॉलिटिक्स। सो मनी कल्चर का जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि इतना आंकड़ा आपने जो बताया मोर देन 15 करोड़ जो सीज किया है और भी सीज करना है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन को। तो वायलेंस को लेके चुनाव लड़ना ये तो गलत बात है। तो डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह अपना पुलिस का प्रशासन है, प्रशासन भी है, पुलिस के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन इसको अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। तो जिन लोगों ने भी जो वायलेंस किया है उसको कानूनी मुताबिक उसको सजा मिलना चाहिए। तो जितने भी जो वोटर्स है 19 अप्रैल को आप लोग मतदान देंगे, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 9-10 सालों में जो काम किया है अरुणाचल प्रदेश में, उस काम को देखते हुए और भी आने वाला दिनों में बहुत सारा बड़ा काम हमको करना है, तो उसको देखते हुए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टेट आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा। वेस्ट सियांग के लिए भी मैंने एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है, वैसे सिर्फ वेस्ट सियांग नहीं पूरा अरुणाचल के लिए मैंने एक रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है। मेरे नए मिनिस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए, फिर फूड पार्क टाइप का जो जहाँ एक पुल बनता है जहाँ से एक्सपोर्ट करने का वो फैसिलिटी हो। बोला आपने का एमपी सिर्फ अपना ही जगह नहीं बल्कि आप पूरा देश को सेवा कर रहा है, इसलिए आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 2014 के बाद मेरा लगातार गांव गांव आना। किसी के लिए पैसा भेजता है वो मिलता कि नहीं मिलता है, तो बोलता है कि ये तो मिल रहा है, मतलब मिल रहा है मनरेगा का तहत हर गांव में योजना तहत जो भी आपको पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है उसके लिए पैसा भेजता है वो मिला है क्या? मिलता है। इसमें ऐसा नेता बहुत कम है जो बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा लीडर है। मैं तोमोरी बास आप डिप्यूटी मिनिस्टर वो भी इनसिग्निफिकेंट छोटा डिपार्टमेंट देख रखता था, चौकामन गुहाई से लेकर के जमाने से साथ में जिताएंगे। आज आपको फिर से कुछ बातें मुझे जरूर शेयर करना है। 2014 में जब मैं पहली औहदों में जब मैं मंत्री बना, मैं आलो में आकर के उस समय आपको बताया और आपका पुकार एमपी सिर्फ अपना ही जगह नहीं बल्कि आप पूरा देश को सेवा कर रहा है, इसलिए झूठे बातों को यहां फैलाएगा तो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुझे ये सुनने को मिलता है आलो में भी और कई जगह में कि किरेन रिजिजू को आप लोगों ने 3 बार एमपी बनाया, 3 बार एमपी बना के आपको क्या मिला है बोलता है। और हमारे यहाँ कई लोगों में ये वो टोटली एक डेड प्रोजेक्ट होके बैठा था। बीजेपी सरकार अपने राज्य में आने के बाद किन किन परिस्थितियों में हम लोग ने उस प्रॉब्लम को सुलझा, किरण जी ने आप लोगों को बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज देखिए अभी हमारा ईटानगर से लेके यहाँ आलो तक, यहाँ से फर्दर फिर बसर होते हुए लिखावली, अगर आज देखिए हाईवे बनने के बाद
तब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छा रोड है ये खराब रोड है। यहाँ वेस्ट सियांग का हेडक्वार्टर आलो में पब्लिक रैली रखा है, सीएम साहब और हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं और कैंपेन कमेटी चेयरमैन बामन फिलिप्स साहब, हम लोग सब मिल करके यहाँ एड्रेस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और वेस्ट सियांग का जो अनडिवाइडेड समय में जितना एरिया है वहाँ के लोग भी आए, सियांग लेपारादा और सीओमी से भी, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। सर वेजिटेबल्स हो, आप मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग में रहेंगे सर, किस प्रकार आपने आपका रोड मैप तैयार किया जाएगा? यहाँ वेस्ट सियांग के लिए भी मैंने एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है, वैसे वेस्ट सियांग नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए मैंने एक रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है। मेरे नई मिनिस्ट्री में रोड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लोकल कंजम्पशन, खाने पीने का सामान जो भी यहाँ जरूरत है उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो उसका मैं व्यवस्था करूँगा। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो सकता है उसके लिए एक तो प्रोसेसिंग यूनिट बनाना पड़ता है, एक तो उसका प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए, फिर फूड पार्क टाइप का जो जहाँ एक पूल बनता है जहाँ से एक्सपोर्ट करने का वो फैसिलिटी हो, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। ये सारा एक चेन है, एक प्रक्रिया है, इसका रोड मैप तैयार करके रखा है। सर सर किस प्रकार कैंपिंग चल रही है आपकी, ये वेस्ट सियांग में आप आए कैंपिंग तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस बार मैं पूरा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का ऑलमोस्ट लगभग टूर खत्म हो रहा है और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का भी मैं कुछ सेक्शन सियांग बेल्ट में कवर करके आया हूँ और भी हम फर्दर ईस्ट हम जाएंगे। इस बार का जो पॉलिटिकल माहौल है वो साफ दिखता है, जनता लोग काफी खुश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है परफॉर्मेंस लेवल को लेके हम लोग बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसी आधार पर पूरे अरुणाचल प्रदेश का जनता इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि दोबारा फिर अपने राज्य में बीजेपी सरकार को गठन करेंगे। और ये तो तय है, देश के जितने भी जनता है वो एक बार फिर मोदी सरकार इस बार 400 पार का जो ये नारा है हकीकत में ये बदलने जा रहा है। जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं और राजनाथ सिंह भी आज आए रामसाई में आ रहे हैं, तो किस प्रकार पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी की? डेफिनेटली क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य में आना, इसमें हम लोग को और भी पॉजिटिव माहौल जो है और भी अच्छाई में हम लोग लेके जाएंगे। और साथ साथ जो राजनाथ सिंह जी काफी सीनियर लीडर है और राजनाथ सिंह एज डिफेंस मिनिस्टर उनके टाइम में भी अरुणाचल के लिए कई सारा काम हुआ है, तो डेफिनेटली अरुणाचल की जनता काफी प्यार करते हैं दोनों दिग्गज नेता को, नड्डा साहब और जेपी नड्डा साहब और राजनाथ जी को। उन दोनों का यहाँ स्टेट में आने से पॉलिटिकल माहौल जो है और भी पॉजिटिव होके भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। 15 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने सीज किए पैसे, तो किस प्रकार मनी कल्चर अभी भी चल रहा है सर का आप कहते हैं? देखिए मैं तो हर एक जगह मनी कल्चर का बारे में मैं अपनी स्पीच में भी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा जो है डेवलपमेंट एजेंडा को लेके हम लोग करते हैं, परफॉर्मेंस लेवल को देके हम लोग करते हैं। बीजेपी डजंट बिलीव ऑन मनी कल्चर, बीजेपी डजंट बिलीव ऑन रिलीजन पॉलिटिक्स, बीजेपी डजंट बिलीव ऑन क्लैन पॉलिटिक्स। सो मनी कल्चर का जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि इतना आंकड़ा आपने जो बताया मोर देन 15 करोड़ जो सीज किया है और भी सीज करना है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन को। सर एनसीपी कैंडिडेट ने एक आरोप लगाया नामसाई में कि काफी गाड़ियां डैमेज हुई है, तो किस प्रकार ये वायलेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन बिल्कुल सामने आने वाले हैं, कई जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि वायलेंस की खबरें आ रही है। मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि कुछ कुछ वायलेंस कुछ कुछ चुनावी क्षेत्र में अभी हो रहा है, तो वायलेंस को लेके चुनाव लड़ना ये तो गलत बात है। तो डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह अपना पुलिस का प्रशासन है, प्रशासन भी है, पुलिस के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन इसको अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। तो जिन लोगों ने भी जो वायलेंस किया है उसको कानूनी मुताबिक उसको सजा मिलना चाहिए। ऐसे आप क्या अपील रहेगी सर सभी सभी लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश के जनता को ये आग्रह करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी पॉलिटिकल माहौल बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इस बार देश ने पूरा तय कर लिया है कि मोदी साहब को दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और अरुणाचल का जनता ने भी तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्य में भी गठन करेंगे। तो जितने भी जो वोटर्स है 19 अप्रैल को आप लोग मतदान देंगे, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 9-10 सालों में जो काम किया है अरुणाचल प्रदेश में उस काम को देखते हुए
और भी आने वाला दिनों में बहुत सारा बड़ा काम हमको करना है, तो उसको देखते हुए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टेट आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा। मैं पूरा विश्वास हूँ आप लोग ने पहले भी हमें सपोर्ट किया है और आगे का जर्नी भी आप लोगों सभी का आशीर्वाद से हमको इस स्टेट का सेवा करने का मौका मिले। We are here at West Siang district of Arunachal Pradesh and today Chief Minister of Arunachal Pradesh Pema Khandu along with Union Minister they came here at Alo town to do campaign for the three candidates of BJP and now we are going to interact with Topi Nete who is a BJP candidate from Alo West. Sir, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार पहले तो आपकी कैंपिंग कैसी चल रही है? युवराज जी बहुत बहुत नमस्कार। आज का डेट तक बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से और इस प्रकार अगर चलता रहा तो हमारा लक्ष्य दूर नहीं। सर किस प्रकार आज की जो ये चीफ मिनिस्टर की रैली हुई यूनियन मिनिस्टर की कितना पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा बीजेपी से? इससे काफी पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। आज तो लगभग 20,000 से ऊपर तादाद में 25,000 का तादाद में भीड़ का जमावड़ा हुआ तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी दोनों ने पूरा पिछले उनके टेन्योर का जो भी उन्होंने कार्य किया है जो जो उन्होंने डेवलपमेंट का कार्यक्रम उन्होंने सफल किया है उन सब का व्याख्यान किया और आगे का रोड मैप और भारतीय जनता पार्टी आगे क्या क्या करने वाली है सभी पब्लिक को बताया दर्शाया और पब्लिक को ये भी बताया कि देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव इन अरुणाचल। भाजपा के सिवा अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो देर इज ओनली वन एक ही रास्ता है वो है एक ही रास्ता है जहाँ खत्म होता है वो भारतीय जनता पार्टी। सर यहाँ फाइट कैसी नेक टू नेक चल रही है? हमने देखा कि एनपीपी और आपके बीच और ये सेमी क्लान एटे वर्सेस एटे ही चल रहा है ये एक्चुअली क्या है? नहीं ये नेक टू नेक वाला तो मुझे पता नहीं है, ये पता आपका सोर्सेस से होगा, खैर वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है हमारा जो अभी तक का जो है बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा लक्ष्य जो है बहुत ही आसान बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी के साथ मेरा विजय को मैं सोचता हूँ कि विजय मुझे प्राप्त होगा ये मेरा अनुमान है ये मेरा असेसमेंट है। तो रोड मैप में सबसे पहले अगर आप जीत के आते हैं आप सबसे पहले आपका किस सेक्टर पे रुझान काम करने पे सबसे पहले जो सबसे जरूरी लगता है आलो वेस्ट में आपको? नहीं आलो वेस्ट में देखिए करने के लिए बहुत कुछ है, कोई चीज आप किसी को पर्टिकुलरली इस काम को करना उस काम को करना आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट में आलो वेस्ट जैसे मैं आप पहले भी इंटरव्यू में दे चुका हूँ कि आलो वेस्ट का एक समय का जो औहदा था वो काफ़ी घट गया है तो करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं युवाओं के लिए पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि ये जो बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का इसको टैकल करना है किस तरह से पढ़ाई का स्तर को उठाना है बढ़ाना है ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण हो पास हो निकल पाए। कंपटीशन का टफ है और अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और आप तो फिर आपका क्या ऑल्टरनेटिव जरिया क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो है कंपटीटिव एग्जाम्स में कंपीट करके पास करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होता है तो उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार जनरेट करके उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह उसका एक मैकेनिज्म ढूंढना है ताकि प्राइवेट सेक्टर हो गया हमारा टूरिज्म होम स्टेज हो गया कैसे करके इनको आपका एग्रीकल्चर हो गया कैसे करके इनको इसमें सम्मिलित किया जाए। सर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के आज यूनियन मिनिस्टर जो है उनके पास ये विभाग है उन्होंने ये कहा कि पाइनएप्पल को लेके जो बगरा का पाइनएप्पल आपने पाइनएप्पल फेस्टिवल पे अटेंड किया आप लोग ने तो इस प्रकार और भी ऑर्गेनिक काफी चीजें होती हैं आपके आलो वेस्ट में इसको कितना ये फायदा मिलेगा अगर जैसे किरण जी ने दावा किया? इसमें बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि जैसे आपको पता है कि 80 के दशक में एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पाइनएप्पल का जूस का प्रोसेसिंग फैक्ट्री हुआ करता था आप असे बोल के उसका नाम था तो वो चीज़ मतलब बंद हो गया ठप पड़ गया कुछ ही सालों के बाद तो उसको कैसे करके रिजुविनेट करना है या कहीं और करना है या कैसे करना है जैसे आज घोषणा किया तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर कहाँ बैठाना है आलो वेस्ट में वो सब चीज़ पे देखना पड़ेगा और ऑर्गेनिक क्षेत्र में तो संतरा आपका सब्जी भी बहुत फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स का यहाँ पे ये है। जेपी नड्डा जाओ है जमीन तो उस प्रकार जेपी नड्डा जी आ रहे हैं राजनाथ सिंह भी आए किस प्रकार स्टार कैंपेनर से बीजेपी को फायदा मिलेगा कल जेपी नड्डा जी? इससे तो बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि जेपी नड्डा जी हो गया और राजनाथ सिंह जी हो गया ये तो बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ हैं तो ये हमारे अरुणाचल में आके जब कैंपेन करेंगे तो उससे
उनका जो सोच है और उनसे एडवाइस जो है उनका, उससे मतलब पब्लिक जब उनसे उनका एक्सपीरियंस जो है इतने सालों का राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसको व्याख्यान करेंगे, और भाजपा का जो भी मैनिफेस्टो हो वो बहुत ही डिटेल में अगर व्याख्यान करेंगे तो एक तो बहुत बड़ा शख्सियत है, फिर डिटेलिंग अच्छा से करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। नास्ती सर क्या अपील करेंगे, 8 दिन बचे हैं, 8-9 दिन के बाद ऑल वेस्ट के लोगों को क्या अपील? मैं ऑल वेस्ट के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं 2019 में मैंने राजनीति में प्रवेश किया और किसी कारणवश मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं 30 ऑल वेस्ट की जनता को नहीं छोड़ा। मैं 30 ऑल वेस्ट के हारने के पश्चात मैं टच में रहा, बहुत बहुत कुछ है जो मैं भी गिनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना हो सकेगा मैं लोगों से मिला जुला, दुख में सुख में, कोविड के समय में भी मैं जितने कॉलेजेस में के जितने भी यूनिवर्सिटी छात्र जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको टच किया, किस प्रकार उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो किया, और लोगों के दुख में सुख में मैं हमेशा जुड़ता रहा। तो 5 साल का ये मेरा लेखा जोखा ये है, आपका बैकअप है, तो इसको मैं जनता के सामने समक्ष रखना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि मैं 5 साल मतलब 5 साल से मैं 30 ऑल वेस्ट के लोगों से जुड़ा रहा, तो ये मैं अचानक में आके चांस में डांस करने वाला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली 30 ऑल वेस्ट में डेवलपमेंट, 30 ऑल वेस्ट को के बढ़ोतरी के लिए मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। हमारे साथ पेंटो जीनी जी हैं जो आलो की विधायक हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज ये बहुत बड़ी रैली हुई यहाँ पे आलो में, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आए और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू आए, बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स के लिए, तीनों जो कैंडिडेट्स हैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के। सर हम जानेंगे कैसे चल रही है आपकी कैंपेन? अरे कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। किस प्रकार आज पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी कैंपेन? आज तो देखिए मेरे पहले से ही अच्छा है, पब्लिक का बहुत अप्रिसिएशन चल रहा है, क्योंकि मैंने 5 साल के कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा डेवलपमेंट लाए हैं पब्लिक के लिए। आप देखिए अरुणाचल में बोला जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में मेरा ही एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है जिसमें 4 लेन से कनेक्ट किया गया है और उसमें डिवाइडर भी है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, और जो भी विद इन टाउन में डेवलपमेंट करना था मैं कर दिया, इसलिए टाउन वाले भी खुश हैं। और कॉलोनी रोड, सेक्टर रोड्स, और हमारे जो अर्बन रूरल एरियाज में बस्ती जो रोड सड़के कनेक्ट करता है उसको भी मैंने बना दिया, बना भी रहा है। सर कितना टफ कॉम्पिटिशन होगा फॉर्मर मिनिस्टर यहाँ पे आपके खिलाफ? हमको नहीं लगता है टफ कॉम्पिटिशन, जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार के कारण से हमको कंफर्टेबली हम विद पंपिंग मेजोरिटी विन करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। सर अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है जो इसके तरीके से ड्रग्स को भी ये बढ़ावा देता है और ये नशे को भी, तो आप क्या करेंगे आलो टाउन में? देखिए आलो टाउन एक ये एक ट्रांजिट कैंप टाइप का है, आप मैचुका जाने वाला रुमगोंग है और ये बासार जाने वाला, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो उसके कारण से ड्रग ट्रैफिकिंग तो है, मैं उसको मैं निकाल तो नहीं सकता। इसके लिए मैंने यहाँ हमारा माधुरी विजन अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर केनेडी साहब जो है हम एक कोशिश करता है कि मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ उसके लिए यंग कमिंग अप जनरेशंस को कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और करे तो भी आपका सजा को भी मैं बताता हूँ एज ए लॉयर, ताकि हमारा नौजवान लोग डर जाए। कोशिश सब जारी है, पब्लिक अवेयरनेस हो रहा है, हमको लगता है कि रोकथाम हो जाएंगे कुछ ही दिन के बाद। सर मोपिन का त्यौहार चल रहा है, सारे गालो आपके यहाँ के वासियों को, सारे गालो बेल्ट को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो वही बोलूंगा कि मोपिन इज आइडेंटिटी ऑफ गालो, गालो मीन्स मोपिन एंड मोपिन मीन्स गालो, तो इसी के त्यौहार में सबको मोपिन आगम है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि सबका प्रॉस्पेरिटी घर में हो, प्रोग्रेस हो और इस घर में शांति बना रहे, और मोपिन तो मैं दिल से मानता हूँ, इसीलिए हम आज पिंकू पिंते को भी दुआ करता है सबको घर में सुख और शांति दे। सर लास्टली आपकी
अपील आपके बीजेपी के वोट, बीजेपी को वोट करने के लिए लास्ट पब्लिक से क्या अपील? मैं तो यही अपील करूंगा, मेरा गुजारिश यही करेगा कि जनता से मैंने बहुत काम किया है और मुझको एक बार और मौका दीजिए आलो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आलो को और सुंदरता कराने में। और आप तो पता है आलो वन ऑफ द क्लीनेस्ट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश नाउ। आपको मैं पब्लिक को भी बताऊं कि हम रिसेंटली हमारा दिल्ली में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूडी ने सर्टिफिकेट रिसीव किया है कि क्लीनेस्ट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेरा कार्यकाल से मेरा कार्य